पिछले 15 दिनों में संसद के अंदर अवैध तरीके से घुसने का यह दूसरा मामला सामने आया है। संसद में फर्जी एंट्री के पास पर घुसने की कोशिश कर रहा एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक संसद परिसर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर है। जब उसकी गेट पर चेकिंग हुई तो उसके पास फर्जी एंट्री का पास मिला। घटना 28 अगस्त की है, लेकिन इसका खुलासा 29 अगस्त को हुआ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और उसके पास से फर्जी पास कहां से आया इसकी जानकारी ले रही है।